फ्रेंड्स, आप सबको हमारा ये नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में निकासी या विड्रॉ कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये पासबुक है, इस पासबुक से हम आज 1500 रुपया विड्रॉ करेंगे। तो पासबुक में कैसे, ये कवर पेज में हमको कौन सा चीज़ चाहिए ना, ये पोस्ट ऑफिस का नाम और अकाउंट नंबर, ये दोनों हम इस विड्रॉ फॉर्म में भरेंगे। ये विड्रॉ फॉर्म हमने पहले से भर के रखा हुआ है। तो देखिए, इसको कहाँ कहाँ हमने क्या क्या भरा है। पहले तो हम उसमें, ये विड्रॉ फॉर्म है, इसमें पहले हम पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे और तारीख डालेंगे। उसके बाद ये हमारा अकाउंट नंबर हो गया 01020304050। फिर हम कितना रुपया निकालने के लिए आए हैं वो लिखेंगे। RS लिखा है मतलब फिगर में लिखेंगे, रुपीस लिखा है मतलब उसमें हम वर्ड्स में लिखेंगे, 1500 ओनली। ये बैलेंस आफ्टर ट्रांजेक्शन्स, आपके खाते में जितना था 1500 निकासी के बाद कितना बचेगा ये इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद डिपॉजिटर अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। फिर राइट हैंड साइड में आएंगे, टू बी फिल्ड अप बाय द डिपॉजिटर और मैसेंजर, बोथ वर्ड्स एंड फिगर, आपको संख्या में भी लिखना है अक्षर में भी लिखना है। तो 1500 संख्या में लिख दिए, 1500 अक्षर में लिख दिए, सिग्नेचर एंड डेट। ये करने के बाद हम ये कैसे किया, वर्ड्स में हम कैसे लिखा, इसका एग्जांपल हमने बना दिया है। 1500 निकालना था तो हमने यहाँ पर 1020 ये ले गए, रुपीज़ 1000 लिख लिया। फिर 500 के लिए हम और एक पेज में जाएंगे, यहाँ से 500 ओनली हम लेंगे, तो मिला करके ऐसे हमने 1500 हो गया। इसको हमने यहाँ पर चार पेजेस में हमने इसको दे दिया है। आप लोगों को ज़रूरत के हिसाब से वीडियो को पॉज करके आप अपना कितना पैसा निकालना है आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद पोस्टमास्टर को दे देंगे, पोस्टमास्टर इसको वेरीफाई करेंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम लिखा है वो चेक कर लेंगे, फिर अकाउंट नंबर वो अपने खाते में कितना है उसका मिलान कर लेंगे, फिर सिग्नेचर वो अपना स्पेसमैन बुक दे के स्पेसमैन मिलान करेंगे। पोस्टमास्टर साहब अब चेक करेंगे अपने उनके खाते में कितना रुपया लिखा था। तो खाते में 2600 रुपया लिखा है, 17/9 को जमा किया था 1000, तो बैलेंस 2600 है, तो 1500 निकासी किया जा सकता है और 1500 निकासी के बाद 1100 रुपया बचेगा, ये भी सही सलामत लिखा है। फिर स्पेसमैन मिलान करने के बाद वो स्पेसमैन सिग्नेचर वेरीफाई करके सिग्नेचर उसमें डालेंगे और चेक करेंगे कि आपने बैलेंस सही लिखा है कि नहीं। फिर वो पोस्ट ऑफिस, टू बी यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस जो लिखा है उसमें जो अमाउंट आपने एप्लीकेशन साइट पे भरा हुआ था 1500 वर्ड्स में 1500 ओनली, इसको भरा जाएगा। अपना काम कर लेंगे, तारीख वगैरह डाल लेंगे और ये जो विड्रॉ हुआ है ये आपके खाते पे एंट्री कर लेंगे। आप वो चेक करेंगे, 1500 लिखा है तो 1500 राइट साइड में आपने रिसीव के साइड पे भी आपने सही अमाउंट लिखा है कि नहीं, और सिग्नेचर भी चेक कर लेंगे, डेट भी चेक कर लेंगे। उसके बाद
यहाँ पर डेट स्टैम्प डालेंगे, और पोस्ट ऑफिस के खाते पे, आपके खाते पे वो एक एंट्री कर लेंगे। ऊपर वाला हमने डिपॉजिट में यूज़ किया था, अभी देखिए विड्रो के लिए दूसरा कलम है, यहाँ पर 1500 विड्रो लिखा जाएगा और इधर से बैलेंस कितना रहेगा आपके खाते में ये लिखेंगे, डेट स्टैम्प डालेंगे और पैसे के साथ आपको दे देंगे। और आपका काम है कि आप थोड़ा चेक कर लें। फ्रेंड्स, आप सबने वीडियो देख लिया होगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। उसके साथ वीडियो एंड करने से पहले एक जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा, आप जब भी पोस्ट ऑफिस छोड़ें, आप जमा के लिए आए थे या निकासी के लिए आए थे, आपका काम हो जाने के बाद आप पासबुक थोड़ा चेक कर लें, उसके बाद पोस्ट ऑफिस छोड़ें। कभी कभी ज्यादा काम की वजह से पोस्टमास्टर आपका वो जो डिपॉजिट या विड्रो किस कार्यव्यस्तता के चलते एंट्री करना भूल जाते हैं, आप उसी वक्त नोटिस में लाइए और एंट्री करा दीजिए। अगर आप ऐसे ही बिना चेक किए घर चले गए और आपके खाते में एंट्री नहीं हुआ है, 6 महीने बाद आप जब भी पोस्ट ऑफिस आएंगे, मान लीजिए आपका लास्ट बैलेंस लिखा है 5000 रुपया, आप पोस्टमास्टर को दिखाते हैं, पोस्टमास्टर अपने डिवाइस में देख के बोलता है, नहीं 6 महीने पहले आए थे, जमा 10,000 हो गया था और हमने एंट्री नहीं किया था, तो उस दिन एंट्री कर देंगे, आपका बैलेंस 15,000 हो गया, तो इसमें आपको खुशी मिलेगी। लेकिन यही बात अगर रिवर्स हो जाता है, आप 5,000 रुपया है मान के पोस्ट ऑफिस आएंगे, पोस्टमास्टर बोलेगा 6 महीने पहले आए थे, 4,000 विड्रॉ करके ले गए थे और आपका खाते में सिर्फ 1,000 है, तो ये सुनने के बाद तो पोस्ट वो डिपोजिटर को शक लगेगा, उसके साथ साथ पोस्टमास्टर को भी शक लगेगा। आप वाउचर देखने जाएंगे और उधर अगर वो विड्रॉ फॉर्म पोस्टमास्टर के हाथ से फिलअप किया हुआ रहेगा तो और भी शक, ज्यादा शक लगेगा। इसीलिए मेरा एडवाइस यही है कि आप डिपॉजिट फॉर्म या विड्रो फॉर्म दोनों आप खुद से भरना शुरू करें। अगर आप इलिटरेट हैं, आप पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, तो ऐसा आदमी को साथ लेके जाएं जो पढ़ाई लिखाई जानता हो और उसके हाथों से भरिए, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं है, पोस्ट ऑफिस जो स्टाफ है उनको भी दिक्कत नहीं रहेगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा भी होगा, अगर सीखे हैं तो जरूर जरूर लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर सब्सक्राइब भी इस वीडियो को जरूर कर दीजिए। थैंक यू।